तम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन् सुखिनः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत प्रांड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो, हर हर महादेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे के नाथ नारायण वासुदेव गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद शंभो शिव 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 नारायण 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 कौन तो 263 कौन सी पंक्ति नारायण बृहदारण्यक उपनिषद 1410 आनंदगिरी टीका 263 पृष्ठ
पंक्ति दो। अविनियोगात विनियोजक श्रुत्याद्यभावात इति शेषः। विनियोग न होने के कारण और विनियोजक श्रुति आदि का अभाव होने के कारण यह कहा। ये जो वचन हैं कर्मों में अविनियुक्त हैं, यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद है, उसके भाष्य के प्रारंभ में भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि ईशावास्यम आदि मंत्रों को उपनिषद माने या न माने, उपनिषद माने तो क्यों माने। उन्होंने कहा कि इन मंत्रों का कर्मों में विनियोग नहीं है क्योंकि विनियोजक वचन नहीं है। तब फिर एक प्रश्न उपस्थापित हुआ कि श्रुतियों में बहुत से ऐसे वचन हैं जिनका कर्मों में विनियोग न होने पर भी प्रकरण के बल पर कर्मों में विनियोग हो जाता है, वे मंत्र कर्मों में विनियुक्त हो जाते हैं। तब शंकराचार्य जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि ईशावास्यम आदि मंत्रों के माध्यम से जिस स्तर के आत्मतत्व का प्रतिपादन किया गया है वह आत्मतत्व कर्मशेष नहीं हो सकता। अविक्रिय विज्ञान घन जो आत्मतत्व है उसमें कर्तृत्व वक्तृत्व की प्रसक्ति नहीं हो सकती, अतः इनको उपनिषद समझना चाहिए। वेदों का जो शिरोभाग है उसी का नाम उपनिषद है। वेदों के शिरोभाग का नाम उपनिषद, जिन वचनों का कर्मों में विनियोग सिद्ध नहीं है वे वचन उपनिषद होते हैं। उपनिषद कठोपनिषद के भाष्य में भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने उपनिषद शब्द की निरुक्ति की है। सन्निकटता से जो अज्ञान और अज्ञानकृत व्यामोह का विध्वंसक हो उसी का नाम उपनिषद है। कर्मों में अविनियुक्त, सांख्यों का कहना है कि कर्तृत्व प्रकृति निष्ठ है, भोक्तृत्व पुरुष निष्ठ है। हमारे आपके जीवन में प्रकृति का प्रतिनिधित्व बुद्धि करती है, तो कर्तृत्व प्रकृति निष्ठ, प्रधान निष्ठ, अव्यक्त निष्ठ या माया निष्ठ है, भोक्तृत्व पुरुष निष्ठ आत्मनिष्ठ है। इसका उत्तर वेदांत प्रस्थान में यह दिया गया कि कर्तृत्व भोक्तृत्व का सामानाधिकरण होना चाहिए, करे कोई और भोगे कोई और, ऐसा नहीं। तब प्रश्न उठता है कि श्राद्ध इत्यादि हैं, पितरों के निमित्त कर्म किए जाते हैं, भोक्ता तो कर्ता नहीं होता, भोक्ता तो पितर होते हैं। देवताओं के निमित्त हवन सामग्री समर्पित की जाती है, कर्ता अलग भोक्ता अलग, भोक्ता तो देवता होते हैं। तब इसका उत्तर यह है कि कर्ता चाहे तो अपने कर्म के फल को अन्यत्र संकल्प भावना संबंध के बल पर प्रेषित कर सकता है। वस्तु स्थिति यह है कि कर्ता भोक्ता होता ही है।
आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः, कठोपनिषद का वचन है। विवक्षावसात यहाँ आत्मा का अर्थ आत्मा भी कर सकते हैं और आत्मा का अर्थ शरीर भी कर सकते हैं। आत्मा के आगे इंद्रिय पद का आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, आत्मा के बाद इंद्रिय, इंद्रिय के बाद मन, परोवरीय क्रम से तत्व का निर्धारण है तो प्रकरण के बल पर आत्मा का अर्थ देह करना उचित है। इंद्रियाणि पराण आहुर इंद्रियभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे पर तत्वसा। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम एक नियम है, केवल मन, केवल बुद्धि, केवल चित्त या केवल अहंकार एक शब्द का ही प्रयोग हो तो मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार भी पूरे अंतःकरण का द्योतक होता है या मर्यादा है। कोष की विवक्षा से अंतःकरण के दो भेद हो जाते हैं, मन और बुद्धि। मनोमय कोष, उससे प्रत्यक्ष अंतरंग अतीत विज्ञानमय कोष। बुद्धि में तादात्म्यपन जो चिद्धात्व आत्म तत्व है उसी का नाम भोक्ता हो जाता है, कर्ता हो जाता है। विज्ञानम यज्ञम तंते कर्माणि तंते पिचा, स्तुति के आधार पर विज्ञानमय करता है। विज्ञान का अर्थ केवल बुद्धि नहीं है, साधिष्ठान साभास बुद्धि है। एक बार अयोध्या में हम लोग थे, स्वामी वामदेव जी महाराज ने प्रेम पूर्वक पूछा, उनसे मैंने 2.5 वर्षों तक अध्ययन भी किया था कि विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिछा, यहाँ बुद्धि को ही लें या कुछ और भी लें। हमने लगभग 45 मिनटों तक अपना भाव व्यक्त किया, एकांत की बात थी। साधिष्ठान साभास बुद्धि को लेना चाहिए। वो प्रश्न करते गए, कृपा करके मैं उत्तर देता गया। कालांतर में शंकरानंदी जो टीका है उसमें हमने जो कहा था वो सब भाव मिल गया। वामतीकार वाचस्पत मिश्र जी ने आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः प्रसंगानुसार इस वचन को कहीं उद्धृत किया है और उन्होंने आत्मा का अर्थ आत्मा ही कर दिया। संभव है क्योंकि वे बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन परोवरीय क्रम से विचार करने पर इंद्रिय मन को देखते हुए प्रत्यक्ष आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम में आत्मा का अर्थ प्रसंगानुसार शरीर ही सिद्ध होता है। गीता में एक विचित्र वचन है, ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। दूसरा अध्याय, ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना आत्मनि आत्मना आत्मानम् पश्यन्ति। तो विचित्र बात है, आत्म शब्द का प्रयोग 3 बार आया। प्रकरण के अनुसार एक ही अर्थ करेंगे तो संभव नहीं होगा, इसलिए एक ही शब्द प्रकरण के बल पर, प्रसंग के बल पर भिन्नार्थक का द्योतक होता है या शास्त्र सम्मत मर्यादा है। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्य सांख्य न योगे न कर्म योगे न मार, यह आत्मानम् आत्मनि पश्यन्ति, ध्याने नात्मनि पश्यन्ति आत्मा में केचिद् आत्मानम् आत्मना आत्मा से आत्मा को देखते हैं। तो यहाँ पर आत्म शब्द का प्रयोग पृथक पृथक अर्थ में हुआ है। इस वचन को शास्त्रीय परंपरा से
न समझने के कारण गीता प्रेस के श्री जयदयाल गोविंदका जी, राम सुखदास जी, ये सब ने विचित्र भाव व्यक्त किया। उनका कहना था कि सभी साधन भगवत प्राप्ति में साक्षात हेतु हैं, क्योंकि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानम् आत्मना अन्य सांख्य न योगेन कर्म योगेन चापरे। तो ध्यान योग का, सांख्य योग मन ज्ञान योग का, कर्म योग का वर्णन किया गया, सबका फल एक ही बताया गया। लेकिन शास्त्रीय परंपरा से अध्ययन न होने के कारण इस प्रकार की विसंगति उन लोगों के द्वारा की गई। कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, शिव पुराण का यह वचन है। कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते। कर्मयोग का पर्यवसान है भक्ति योग में, भक्ति योग का पर्यवसान है ज्ञान योग में। इसलिए परोवरीय क्रम से अर्थ करना चाहिए, सभी साधन भगवत प्राप्ति में साक्षात हेतु हैं, ये नहीं एक दूसरे के पूरक होकर परोवरीय क्रम से साधन अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं, यह अभिप्राय है। तो कहा विनियोग की बात चल रही थी, विनियोजक वचन होना चाहिए। नासदी सूक्तम, ऋग्वेद के दशम मंडल में अपने यहाँ से ग्रंथ प्रकाशित है, नासदी सूक्तम भाष्य टीका सहित, फिर विस्तृत ग्रंथ शायद दूसरा ग्रंथ अपने यहाँ का यही है, शंकराचार्य होने के बाद हमने लिखा। नासदी सूक्तम का नाम के जो सात मंत्र हैं उनको उपनिषद क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि वे कर्मों में विनियुक्त हो गए विनियोजक वचन के कारण। डूबे घर की बेटी चौबे घर में विवाह दी गई, अब चौबे हो गई चौबे घर की बेटी डूबे घर में विवाहित हो गई, तो अब क्या हो गई, डूबे हो गई। विनियोग होता है, अच्छे सच्चे व्यक्ति का विनियोग गड्ढे में हो जाता है। क्या भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि का विनियोग दुर्योधन ने अपने लिए कर लिया, दुष्टता के समर्थन में और दुष्ट के उज्जीवन में इन सब महापुरुषों का विनियोग हो गया। अधना सा जो व्यक्ति था वो भी दुर्योधन का पक्ष न लेकर के पांडव के पक्ष में आ गया। इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि जो बड़े व्यक्ति हैं बड़े का ही साथ देंगे। भीष्म, द्रोण, ये सब, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब ने दुर्योधन का साथ दिया और अपनी अंतरंग लीला और कुछ थी। ये चार महान भाव, तीन तो ब्राह्मण ही थे, बहुत विचित्र व्रत है ब्राह्मणों सावधान। महाभारत युद्ध में तीन ही ब्राह्मण सम्मिलित हुए, तीनों दुर्योधन की ओर से, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा पिता मामा हुए नहीं, अश्वत्थामा के तीन ही ब्राह्मण सम्मिलित हुए, तीनों दुष्टों के ओर से सम्मिलित हुए। यह बाह्य लीला है। तो उन्होंने क्या कहा, पुरुष जो है अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है, पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है। यह कहें भाई सर्राफ देवघर वैद्यनाथ धाम में, उन्होंने कहा जब कोई ईमानदार पदाधिकारी आता है तो प्रसिद्धि होती है, ईमानदार है, घूस नहीं लेता, उसका अर्थ होता है अन्यों से अधिक घूस लेता है। फिर उन्होंने कहा हम लोगों का काम तो लेन देन का है, बिना घूस के कोई काम नहीं हो सकता। हम हंसी की बात है पर ठीक है, अब गीता प्रेस को चलाने के लिए तो पर्याप्त कागज़ चाहिए, ये सब चाहिए, बहुत पुरानी बात। तो जयदयाल जी ने एक शब्द निकाला था, भाई हम किसी को घूस नहीं देते लेकिन प्रेस को तो चलाना, इसलिए अग्रिम पुरस्कार उसका नाम रखा।
गीता प्रेस में घोष का नाम क्या मालूम है? अग्रिम पुरस्कार। अब घूस देते हैं, ये कैसे काम चले, हंसी हो जाएगी। और लोगों को बिना दिए काम चलेगा नहीं, इसलिए दयाल गोविंदका जी ने वैश्योचित बनिया बुद्धि से एक शब्द निकाला, बिल्कुल हम घूस नहीं देते, घूसखोरों से दूर रहते हैं, केवल अग्रिम पुरस्कार दे देते हैं। तो यह हुआ, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि तीनों ब्राह्मण दुष्ट के, लेकिन बहुत बड़ा मनोविज्ञान, ब्राह्म मुहूर्त में उठ कर के भीष्म द्रोण कृपाचार्य ये सब क्या करते थे मालूम, उच्च स्वर से धर्मात्मा पांडवों की जय हो बोलते थे। दुर्योधन के गुप्तचर कहते थे, देखिए वो लोग क्या कहते हैं। दुर्योधन कहता, कहने दो भावुक हैं, साथ तो देते हैं, खुल के साथ देते हैं, युद्ध में तो कोई छल कपट नहीं करते, पूरा साथ देते हैं, भावुक हैं, बोलने दो। लेकिन उनकी वाणी की जीत हुई, उनकी जीत नहीं हुई। क्या हुआ? परिस्थिति वश कोई व्यक्ति दुष्टों का पक्षधर भी हो जाए, साथ दे दे, लेकिन वाणी से वो सज्जन का उत्कर्ष चाहे, सज्जनों की विजय चाहे, तो युद्ध करने में उसका साथ देने में भी, देने पर भी विजय उसकी वाणी की होगी। फिर हम लोगों की विजय क्यों नहीं होगी? हर प्रकार से जो बोलते हैं उसी के लिए कटिबद्ध रहते हैं, प्राणों को हथेली पर लिए रहते हैं। सत्य का पक्ष बहुत बढ़िया है महाभारत में। दुर्योधन युद्ध के लिए जाते थे, उससे पहले गांधारी अपनी माँ को प्रणाम करते थे। गांधारी कभी नहीं कहती थी बेटा विजयी हो, क्या कहती थी? यतो धर्मस ततो जया, यतो धर्मस ततो जया, बेटा जहाँ धर्म है वहीं विजय है। यह सत्य का पक्ष हुआ। काबुल गांधार की थी, दूर की बेटी थी। लेकिन वो क्या कहती थी? यतो धर्मस ततो जया है, इसका अर्थ है बेटा भले ही दुष्ट हो जाए, माँ सत्य की ही विजय चाहे। यतो धर्मस ततो जया, बेटा मारा गया, रोना तो था ही, उस समय याद दिलाया गया कि तू तो कहती थी यतो धर्मस ततो जया, तुम्हारे बेटे का पराजय की पराजय तो सुनिश्चित थी, तो क्या कहा? माँ होने के कारण रोती हूँ, लेकिन वेणी वाणी सत्य हुई इसलिए प्रसन्न भी हूँ। यतो धर्मस ततो जया, ज़्यादा व्याख्या न करके अविनियोगा, अच्छे से अच्छे व्यक्ति का विनियोग कहाँ हो जाता है यह देखना, और अदना सा व्यक्ति का भी विनियोग नहीं हो पाता है। कौन था वो घंटा पीटता हुआ आ गया दुर्योधन के? युत्सु, अदना सा व्यक्ति, लेकिन वो दुर्योधन के धन पर नहीं। बहुत विचित्र बात है, पांडव ने, युधिष्ठिर जी ने क्या किया? युद्धारम्भ के पहले चप्पल जूता जूता ये सब उस युद्ध के वेश के लिए अनुकूल हो सब उतार दिया, धनुष बाण को रख दिया नंगे पांव। दुर्योधन के खेमे जो युद्ध भूमि में नायक लोग खड़े थे, कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म, उनकी ओर गए। अर्जुन आदि को हुआ कि डर गए, घुटना टेक के संधि करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये धर्मराज हैं, इनकी हर गतिविधि धर्म से अनुप्राणित होती है, चुपचाप हम लोग अनुगमन करें या क्या करते हैं। प्रणाम किया द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को प्रणाम किया। उन लोगों ने क्या कहा? अगर भीष्म जी को प्रणाम किया, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, उन लोगों ने कहा अगर प्रणाम किए बिना युद्ध करते शाप दे देता, तुमने धर्म का पालन किया प्रसन्न हूँ। चाहते क्या हो? यदि आप समझते हैं कि हम पांडवों का पक्ष धर्म का है तो हमारी ओर से युद्ध करें। तीनों ने क्या कहा? पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ पुरुष का दास नहीं है, दुर्योधन ने अर्थ से बांध रखा है। लेकिन
तुम्हारे जीत के लिए मैं उद्यम करूंगा, विजयी तुम ही होगे। अविनियोगात हमने कहा क्षिप्रा है, चंबल है, यमुना है, गंगा है, और गंगा का अंत में विलय है समुद्र में। किस व्यक्ति का विनियोग कहाँ हो जाएगा, यह एक विचारणीय विषय। व्यक्ति तो चाहे उत्कृष्ट हो चाहे अपकृष्ट, लेकिन व्यक्ति का विनियोग कहाँ होगा यह विचार, अपने जीवन का भी विनियोग कहाँ होगा इस पर विचार करना चाहिए ज्यादा व्याख्यान। अविनियोगाद विनियोजक सुत्यादि अभावात इति शेषा, बहुत बढ़िया। एक तो विनियोग नहीं है और विनियोजक श्रुति आदि का वचन का अभाव भी है, न कोई श्रुति है, न इस प्रकार की स्मृति है, न पुराण है, न महाभारत आदि इतिहास है। इसलिए ब्रह्म तत्व के ही प्रतिपादक ये वचन है यह व्रत। 14वीं टिप्पणी, श्रुति लिंगादि प्रमाणाभावात्। श्रुति है, लिंग से अर्थ हो जाता है युक्ति, या प्रमाण का भाव होने के कारण। कल्पांतर मादत्य संसारिणा इति, कल्पांतर को क्या अर्थ हुआ, प्रकारांतर से किसी तथ्य को प्रतिपादित करें तो उसी का नाम हो जाता है कल्पांतर। वो कल्प वाला कल्प नहीं, काल वाला काल नहीं यहाँ पर है, कल्पांतर माने प्रकारांतर। संसारिणा यह हुआ। संसारिणा कहकर यह बताया, अगर कोई संसार में ही रचा पचा हो, सचमुच में जीव संसारी ही हो, जैवते जीव वह संसारी, तुलसीदास जी ने लिखा। बहुत से ऐसे वचन हैं तुलसीदास जी के जो भविष्यत गति से विशुद्धाद्वैत के प्रतिपादक माने जाते हैं। तुलसीदास जी विशुद्धाद्वैतवादी नहीं थे। जब ते जीव भयो संसारी, जब ते माने कब से पता नहीं, लेकिन जब ते का अर्थ है पहले शुद्ध बुद्ध मुक्ति था, कालांतर में जीव भाव को संसार को प्राप्त हुआ। विशुद्धाद्वैत में तो विशुद्ध जो ब्रह्म तत्व है, विशुद्ध शब्द व्यावर्तक है किसका, माया का। शंकराचार्य के वचन को न मान के विशुद्धाद्वैतवादियों ने चिढ़ाने के लिए कहा मायावादी, उनको शंकराचार्य को, अपने को विशुद्धाद्वैतवादी का, विशुद्धाद्वैत का अर्थ होता है माया के बिना ही। कश्मीरी वेदांतियों का जो सिद्धांत था उसी को वल्लभाचार्य जी ने क्या किया, अपने सांचे ढांचे में ढाल दिया। वहाँ शिव तत्व था, यहाँ पुरुषोत्तम शब्द कर दिया, लेकिन सब कुछ सामग्री है कश्मीरी वेदांतियों की ही। फिर भी श्री वल्लभाचार्य जी का एक शब्द है स्वात्म वैभव, भगवदीय स्वात्म वैभव, इस पर हम कई बार बोल चुके हैं। सारस्वत व्याकरण के अनुसार भगवदीय शब्द बनता है, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार नहीं। तो भगवदीय स्वात्म वैभव, वो स्वात्म वैभव क्या है, क्योंकि आप तो विशुद्ध अद्वैतवादी हैं, अगर स्वात्म वैभव को भगवान के सदृश ही मान लेंगे कूटस्थ सत्य, तो द्वैत की प्राप्ति हो जाएगी, अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। और बंध्या पुत्र आदि के समान अलीक मान लेंगे तो कार्य का संपादक नहीं होगा स्वात्म वैभव, कार्योत्पत्ति में उपादान सिद्ध नहीं होगा। इसलिए बंध्या पुत्र से भी विलक्षण, कूटस्थ सत्य परमात्म तत्व से भी विलक्षण, फलवल कल्प क्या हो गया पारिशेष्य न्याय से शब्द बदल देने पर भी अर्थ में कोई भेद नहीं हुआ। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद्भागवत पर भाष्य लिखा, कल कहा था इस मठ के इस पीठ के 116वें शंकराचार्य थे श्रीधर स्वामी, भागवत पर जो भाष्य है इस पीठ के आचार्य की देन। श्रीधरी टीका,
श्रीधर स्वामी का अनुगमन नहीं करना है, या वल्लभाचार्य जी ने प्रतिज्ञा की मन में। तब जहाँ अनुगमन किए बिना अर्थ नहीं लग सकता था, वहाँ क्या चातुरी का परिचय दिया, शब्दांतर कर दिया, विषय महिमा को प्रमेयबल कह दिया। विषय की महिमा से श्रीधर स्वामी ने लिखा तो वल्लभाचार्य जी ने कह दिया प्रमेय बल, बात तो एक ही हो गई। यूँ कहो या यूँ, इसका नाम क्या है, द्राविड़ प्राणायाम। हम लोग सीधे यूँ करते हैं, वो इसका नाम है द्राविड़ प्राणायाम। नाक तो छूना ही है, क्या हुआ, कान छूते हैं ना, इसका दुरुपयोग किया गया। कान गर्म करना है, फ्रेज बन गए मुहावरा। कान क्यों छूते हैं, चांटा मारने के लिए नहीं। कान जो है अपने शरीर में सर्वोच्च तीर्थ है, क्योंकि नाभिक है, या आकाश का कार्य है ना, अतीन्द्रिय श्रोतेन्द्रिय आकाश का कार्य है। सबसे ऊंचा तीर्थ कौन है, आकाश, तारक तीर्थ माने तारक, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में। तो दिक् तत्व आकाश तत्व ही कान के अभिव्यंजक, क्योंकि यहाँ से शब्द की प्राप्ति होती है, शब्द का श्रवण होता है। तो छोटा मोटा कोई पाप हो जाए, कान को स्पर्श कर ले, यानी कान गर्म करना है, दुरुपयोग हुआ, कान को छू लें, तीर्थ तीर्थ स्नान का फल मिलता है, पाप निवृत्त हो जाते। सूर्य भगवान का दर्शन कर लें, वरों को प्रणाम कर लें, सूर्य भी नहीं वरे भी नहीं, कान छू लें, तो कान छूने से प्रायश्चित हो जाता है। वो कान गर्म करेंगे, फिर चांटा मार देना फिर क्या करना, बहरा बना लेना चाटा मार के, ये सब दुरुपयोग हुआ। तीर्थ है, सबसे उत्कृष्ट तीर्थ हम लोगों के पास कान ही है, क्योंकि इसी के माध्यम से श्रोत्र इंद्रिय जो अतीन्द्रिय है उसकी अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तात्पर्य हो। तो अविनियोगात अविनियोजक श्रुति आदि अभावात, विनियोजक श्रुति स्मृति आदि का अभाव है, और जिस स्तर के आत्म तत्व का वर्णन है उसका विनियोग कर्म में हो नहीं सकता। आत्म तत्व अभिक्रिय विज्ञान घन होने के कारण कर्म शेष नहीं है। कल्पांतरम आदत्य प्रकारांतर से तथ्य को उद्भाषित किया, उपदेशस्य ज्ञानार्थत्वात् मिटा हुआ है, आपकी मात्र तदन तत् अनपेक्षत्वाच्च संपत्ते तस्य कथम तदर्थ्यम इत्याशंक्या है। यह 16वीं टिप्पणी दी, ब्रह्म ज्ञानाभावे ब्रह्मत्व संपत्ति अभाव इति व्यतिरेक माह इत्यादि। ब्रह्म ज्ञान के अभाव में ब्रह्म की संपत्ति माने ब्रह्म उपलब्धि, ब्रह्मत्व संपत्ति का अर्थ है ब्रह्मत्व की समुपलब्धि संभव नहीं। इसका अर्थ क्या है, ज्ञान मात्र से जिसकी उपलब्धि हो जाए समझना चाहिए, अज्ञान मात्र से उसकी अनुपलब्धि थी। ज्ञान जो होता है, कल भी कहा परसों भी कहा, बहुत महत्वपूर्ण भाव है, ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता। लेकिन ज्ञान में भी एक कारकता रहती है, उसका नाम क्या है, अज्ञान और अज्ञान कृत मिथ्या ज्ञान का या कि अपनोदकता, किसमें है, ज्ञान में। इतर कारकत्व का अभाव होने पर भी ज्ञान में एक कारकत्व रहता है, कौन सा कारकत्व, अज्ञान और अज्ञान कृत मिथ्या, अज्ञानकृत मिथ्यात्व का अपनोदक ज्ञान होता है। इसी से काम बन गया, भाई मैं बहुत आलसी हुआ, मुझसे कोई एक काम करा लो ऐसे ज्ञान मानो कहता है मैं भाई वीआईपी हूँ, ज़्यादा काम नहीं करता, एक काम कोई करा लो बस एक ही काम हो गया अज्ञान का। बस ज्ञान होगा तो यद विषय ज्ञान होगा, तद विषय अज्ञान का अपनोदक होगा या नहीं। अतद व्यावृत्ति अतर निरसन, एक पड़ोस में डोफर लंग दूरी पर
कोई ब्राह्मण थे, उनका नाम था निरसन झा। बच्चे तो बच्चे ही होते, हम लोग 6-7 साल के रहे होंगे। आपस में कहे भोलानाथ का अर्थ समझ में आ गया, शिव शंकर का अर्थ समझ में आ गया, ये निरसन निरसन क्या होता है। तो बच्चे आपस में, मूर्ख ने नाम रखा होगा किसी ने, पड़ोसी थे निरसन झा, तो आपस में हम लोग कहें कि मूर्ख ने किसी ने रखा होगा ना। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो, किसी मूर्ख निरसन क्या होता भाई। लेकिन जब इधर आना हुआ तो अतद व्यावृत्ति अतद निरसन है ना, कितना बड़ा विद्वान ने नाम रखा होगा निरसन। और आपस में हम लोग बच्चे निज अज्ञान राम पर धरी। वो है ना एक मुख्यमंत्री का बेटा सनातन धर्म को कोसता है, तो निज अज्ञान राम को धरी। यही राम पर मरही ऐसे ही है, निरसन माने व्यावृत्ति व्यावर्तन। यह कहा अज्ञान का अपनोदक तो ज्ञान होता ही है। पिछले दिनों हमने कई बार कहा, इसी आधार पर कहा, देवता जो हैं वो क्या होते हैं, उपकारक भी होते हैं बाधक भी होते हैं। देवराज इंद्र 99 अश्वमेध यज्ञ कोई करे उसमें क्या होते हैं, उपकारक होते हैं। और सौमा अश्वमेध है कोई करने लग जाए तो विघ्न डालते हैं, चाहे भगवान के अवतार पृथ्वी ही क्यों ना हो। ध्यानपूर्वक सुनिए, देवताओं का स्वभाव क्या होगा, 99 अश्वमेध याग करें शास्त्रीय विधा से, श्री राम शर्मा की विधा से नहीं, सब नकली काम, शास्त्रीय विधा से 99 अश्वमेध याग करें उसमें से हाँ नारायण, उसमें राम राम, हाँ अयोध्यावासी, 99 अश्वमेध याग करें तो क्या करते हैं इंद्र, सहयोगी बनते हैं। सोमा अश्वमेध याग अगर प्रारंभ कर दें तो विघ्न डालते हैं, चाहे भगवान ही पृथु बनकर आवे। वह बहुत गाली दे दी इंद्र से, दुश्मनी थी तुलसीदास जी की, एक ही जगह प्रशंसा की है बाकी गाली बहुत दी, कुटिल काकी सब ही डराही। लेकिन शास्त्र ने साफ था ना, शास्त्र नेत्र हो गए किसके, सहस्र भाग नेत्र हो गए किसके, इंद्र के। तो भगवान का जो दर्शन किया तो सहस्र नेत्रों से वहाँ प्रशंसा की, मैं तुलसीदास जी बस इंद्र को कुटिल काक ये सब ही डराई पाकृप। सब जगह गालियाँ दी, कुछ विघ्न किया होगा इंद्र ने उनके मार्ग में, तुलसीदास जी इंद्र की खूब खबर ली, एक जगह प्रशंसा की, मुनि साप जो दीना अति भल के ना, इसी प्रकार से। तो यह हुआ व्यतिरेक मम उक्त्वा, यह अविनियोग का मतलब है, श्रुत्यादि का भाव है, विनियोजक बतल नहीं युक्ति के द्वारा भी है। तो हमने कहा कि जो तत्व ज्ञान होता है बस एक ही काम करता है, अज्ञान का विध्वंसक हो जाता है, अज्ञान कृत मिथ्या तो कान उपनोदक हो जाता है, इसी से काम बन जाता है। अनिर्ज्ञात है यह हुआ, सर्वात्मविज्ञानादेव सर्वात्मभावस्य फलस्य सिद्धत्वात् परब्रह्मोपदेशस्य ध्रुवमार्थक्यम प्राप्तम। यह सब हो गया था। अब व्यतिरेकम उक्त्वा अन्वयम आचष्टे, निर्ज्ञाते थे इस पर कहा, अनिर्ज्ञाते फिर निर्ज्ञाते कहाँ था, निर्ज्ञाते थी अनिर्ज्ञाते ब्रह्म स्वरूप किम संपादयत अहम ब्रह्मास्मिति निर्ज्ञाते, निर्ज्ञात लक्षण ही ब्रह्मणि शक्य संपत कर्तुम। यह व्यतिरेकम उक्त्वा अन्वयम आचष्टे, व्यतिरेक माने निषेध, निषेध मुख से वर्णन करने के बाद अन्वय मुख से वर्णन करते हैं। या
अन्वय और व्यतिरेक दो होता है, अनुगत अन्वय व्यतिरेक, अन्वित जो हो उसका नाम, उसके अन्वय बनेगा व्यतिरेक, अतिरिक्त का निवारण का अर्थ हुआ व्यतिरेक बने निवारण, अतिरिक्त का अपनोदन, और अन्वय का अर्थ होता है जो ग्रहण करने योग्य हो, अन्वित हुआ, या घटाधिकारियों में जैसे मृतिका की अनुवृत्ति या अनुगति है यह हुआ। और मिट्टी से अतिरिक्त भी यह घट आदि अन्वय और व्यतिरेक हो जाता है। नारायण व्यतिरेकम उक्त्वा अन्वयम आचष्टे, व्यतिरेक कह दिया अब अन्वय निर्ज्ञाते कहकर कहा। पदयो सामानाधिकरण जीव ब्रह्मयो भेदापगमा न संपत् पक्ष संभवती, संपत माने उपासना। एक छत्तीसगढ़ में संपत अग्रवाल, पहले हिंदुत्व का पक्षधर था, तो ऐसा बिगड़ बिगाड़ गया, बिल्कुल बिगड़ गया। पदयो सामानाधिकरण जीव ब्रह्मण भेदावगमत न संपत पक्ष संभवती। सामानाधिकरण शब्द है, सामानाधिकरण का अर्थ क्या होता है, हे स्वयं देवदत्ता, स्वयं में सामानाधिकरण है, स्वयं या एक विभक्तिक हो, परस्पर अपर्याय हो, एकार्थनिष्ठ हो, तब व्याकरण के अनुसार सामानाधिकरण होता है। जैसे स्वयं वह या दोनों में प्रथमा विभक्ति है, सह कार्थ वह होता, अयम कार्थ यह होता है, दूर का परोक्ष का द्योतक है, एक अपरोक्ष का द्योतक है, लेकिन देवदत्त नामक व्यक्ति विशेष में जाकर दोनों अन्वित हो जाता है। सामानाधिकरण क्या हुआ फिर, प्यास लगती है तो प्रश्न कर देता हूँ, तब तो पानी पी लेता हूँ, एक बंद धोखा आ जा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपर्याय माने एकार्थक ना हो, समान विभक्ति हो, प्रथमा द्वितीया तृतीया ये सब। संस्कृत में छः कारक हैं, आठ विभक्तियां हैं, हिंदी वाले संबंध और संबोधन को भी कारक मान लेते हैं। एक विभक्ति हो, प्रथमा विभक्ति है, तो दोनों में स्वयं, स्वह का अर्थ अलग है, अयम का अर्थ अलग है। समान विभक्तिक होना और परस्पर एकार्थ न होना, एकार्थता का द्योतक न होना, और एक में जाकर विनियुक्त हो जाना, स्वयं देवदत्ता। समान विभक्तिक हो, परस्पर अपर्याय हो, और अंत में एकार्थनिष्ठ हो, तब क्या हो जाएगा, सामानाधिकरणीय। यह सामानाधिकरणीय न सामानाधिकरण, जैसे स्वयं सह अयम एक विभक्ति, प्रथमा विभक्ति है, सह का अर्थ अलग होता है, अयम का अर्थ अलग होता है, वह और यह, ये हो गया। एक अर्थनिष्ठ है, देवदत्त में जाकर संलग्न हो गया, जिस देवदत्त को पटना में देखा पाटलिपुत्र में, उसी को पुरी में देख रहा हूँ। पाटलिपुत्र बहुत पुराना नाम है क्या, पटना जिसको आजकल कहते, पाटलिपुत्र। पदयो सामानाधिकरणीय जीव ब्रह्मयो ब्रह्मणो अभेदावगमात, जीव ब्रह्म का भेद, सोहमस्मि अयम आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार से सोहम, जैसे स्वयं देवदत्त, ऐसे जीव ब्रह्मणो अभेदावगमान न सत
संपत पक्ष संभवती। संपत पक्ष उपासना का पक्ष यहाँ चरितार्थ नहीं होता, नेत्यादि नाम इस पर का न कहकर शंकराचार्य ने उसका उत्तर दिया। निर्ज्ञाते ब्रह्मस्वरूप किम संपादयेत अहम ब्रह्मास्मि इति निर्ज्ञात लक्षण ही ब्रह्मणे सो अयम आत्मा ब्रह्म यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म या आत्मा तत् सत्यम स आत्मा ब्रह्म विदाप्नोति परम इति प्रकृत्य तस्माद् वै तस्माद् आत्मनः यस। शास्त्रों वचन ऐसे हैं जो जीवात्म तत्व के जीव और ब्रह्म के एकत्व के ख्यापक हैं। यद्यपि वाच्यार्थ भूमि में दोनों का एकत्व अप्रसक्त है, लेकिन लक्ष्यार्थ भूमि में एकत्व संभव है। मल्ला कहीं मल्लाओं से खेवा लेता रे भैया, कृष्ण का राधे श्याम रामायण। मैं इस नैया का खेवक हूँ, केवट हूँ, खेवने वाला। तुम उस नैया के केवट केवट हो, भव सिंधु से पार करने वाले आप हो और न गंगा से पार करने वाला मैं हूँ। मल्ला कहीं मल्लाओं से खेवा लेता रे भैया। मैं भी मल्ला, आप भी मल्ला, दक्षिणा मत दीजिए, संकोच मत कीजिए। बन जा रहे थे, कुछ था भी नहीं देने के लिए। मल्ला कहीं मल्लाओं से खेवा लेता रे भैया, आप भी मल्ला, मैं भी मल्ला, अंतर क्या है? मैं तो छोटी नदी को पार करवा देता हूँ, आप तो भव सिंधु को। जब मैं आपके द्वारा आऊँ तो भव सिंधु से मुझे पार कर दीजिए, बस इतनी सी बात। मैं आपको गंगा से पार करता हूँ, आप भव सिंधु से पार कर दीजिएगा। आप भी नाविक, मैं भी नाविक, क्या हुआ? किसी समय में बहुत पार सब जगह जगह होता था, अब आजकल सुनने में नहीं आता। क्या ये रामायण राधे श्याम रामायण? हाँ, वो हम तो उत्तर प्रदेश में बहुत रहे हैं। लगभग एक साल तक ऐसा लगा, अब कोई तुलसीदास जी के रामायण को नहीं पसंद करेगा उत्तर प्रदेश में। यहाँ तक कि एक महानुभाव थे, बहुत बड़े नैयायिक, उनके पुत्र अभी कहीं मिले थे, नरेश या कोई, बहुत बड़े नैयायिक थे, दिग्गज नैयायिक। वो भी ढोलक बजाना सीख गए, पटियाला पंजाब में रहते थे, वो भी गाने लगे थे, मल्ला कहीं मल्लाओं से खेवा लेता रे भैया। उस समय लगता था तुलसीदास जी को कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अधिक से अधिक एक साल बाद राधे श्याम जी के रामायण उनके जीवन काल में ही लुप्त हो गया। माने किसी ने पूछा नहीं, क्यों? राम जी का चरित्र ही रामचरितमानस में भी है, राधे श्याम जी ने जो रामायण बनाया उसमें भी है। राम जी का चरित्र होने पर भी तुलसीदास जी के द्वारा विरचित रामायण की परंपरा चल रही है, चलेगी सैकड़ों वर्षों तक। राधे श्याम जी के द्वारा विरचित रामायण 6 महीने या 7 वर्ष से अधिक नहीं चला। क्यों? राम जी की गाथा आर्ष शैली में करेंगे, टिकाऊ होगा। ऋषियों की जो शैली है शास्त्रीय शैली, शैलीगत भेद हो जाएगा तो कोई राम जी को अभी नहीं पूछेगा, भले ही राम जी का अपने वर्णन किया। राधे श्याम जी ने भी राम जी का ही चरित्र लिखा, लेकिन तुलसीदास जी की बात आज भी चल रही है, आगे भी होगी, क्योंकि उनकी शैली आर्ष शैली है, माने ऋषियों की शैली है, तो शैली का भी अंतर होता है। कोई कहे कि आप बहुत कठिन बोलते हैं, कहिए तो आप हमको राधे श्यामी रामायण के रचयिता बनाना चाहते हो क्या? आर्ष शैली में ही बोलने पर राम जी को भी लोग पूछेंगे, नहीं तो राधे श्याम जी के राम जी तो एक ही हैं,
राधेश्यामी रावण के राम जी की गाथा भी नहीं चली और तुलसीदास जी के राम जी की गाथा चल गई। राम और राम में क्या भेद है? राम तो एक ही, अंतर क्या पड़ गया? शैलीगत। इसलिए प्रवचन आदि की शैली आर्ष विधा से होनी चाहिए तो चलेगी, शैली टिकेगी, नहीं तो नहीं, तो प्रवचन टिकेगा, टिकाऊ नहीं होगा। इसलिए जो जो आए सब पे छाने का प्रयास किया, आज उनको कोई काशी में भी नहीं पूछता। राम नरेशाचार्य जी भूमिहार कुलभूषण, उन्होंने क्या कहना शुरू किया थे? रामानंद संप्रदाय के श्री रामानंद संप्रदाय, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जाति पांत पूछे मत कोई, हर को भजे सर का हुई। फिर चतुराय क्या कि कांग्रेसी बन गए। फिर हमसे क्या कहा ताना करते हुए, आप तो जहाँ जाएंगे किसी पार्टी के नहीं हैं, सब जगह ठोकर खाएंगे, ना धन मिलेगा ना मान मिलेगा, और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार होगी मुझे सम्मान मिलेगा और कबीर पंथी भी मुझको पूजेंगे, क्योंकि जात पात पूछे मत कोई, हर को भजे सरकार भी, आप तो वर्णाश्रम जात पात को मानते हैं, आपका जीवन व्यर्थ जाएगा। हमने कहा देखिए किसका क्या होता, अब काशी में भी कोई पूछने वाला नहीं रह गया। क्या जिनको आजकल मायावती की कृपा से दलित कहा, कितना गर्हित शब्द है बताओ। हमारे शास्त्र में दलित शब्द का प्रयोग किया गया, मायावती ने अपने बिरादरी के लोगों को कितना घटिया शब्द दिया, दलित माने रौंदे गए। अब देखिए रामनरेशाचार्य जी हैं तो वही काशी में रहते होंगे, कोई नहीं पूछता क्यों? जिसकी चापलूसी करेंगे वो समझेगा कि चापलूस है ये, वो दूर रहे। आज भी सिद्धांत की ही पूजा होती, हम तो एक तिल भर भी, तिल के सैकड़े हिस्से भर भी इधर उधर नहीं डूलते, बिल्कुल शास्त्र की विधा से ही वक्तव्य देते हैं, लिखते हैं, यही टिकाऊ। इसलिए वो चापलूसी वाली बात नहीं चलती, जनता जानती। कबीर पंथी उसी को पसंद करते हैं जिसकी वाणी में सनातन विधा समलंकृत हो, विषय भी सनातन होना चाहिए, उसके प्रतिपादन की विधा भी सनातन होनी चाहिए। विषय तो राधे श्याम जी ने राम को ही चुना, शैली उन्होंने आधुनिक चुनी तो राधे श्याम ही रामायण। फल क्या हुआ? उनके पोते या बेटे ने वैश्य से शादी कर ली, ये भी हो गया, वंश भी विकृत हो गया, वो अंदर की बात है। वर्ण व्यवस्था भी खत्म हो गई, कुल ही सांकारी को प्राप्त हो गए। उपदेशस्य ज्ञानार्थत्वात् अनपेक्षत्वात् च संपत्ते तस्य कथम तादर्थ्यम इत्याशंक्य अनिर्ज्ञाते यह हुआ। संपत् माने उपासना, संपत् अनिर्ज्ञाते यह कहा, यह दूसरी पंक्ति है 263 पृष्ठ पर, अनिर्ज्ञाते ही ब्रह्मस्वरूपे किम संपादयेत अहम ब्रह्मास्मिति। एक विचित्र बात, निर्ज्ञाते निर्ज्ञात लक्षण ही ब्राह्मण से क्या संपत् करतुं, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत प्रीति नहीं होई, प्रीति बिना नहीं भगत दिराई, जिम खगे जल का चिकनाई, तुलसीदास ने कहा न, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत प्रीति नहीं होई। ज्ञान का आलम्बन तो लेना पड़ेगा, जिस वस्तु का ज्ञान नहीं उस वस्तु की उपासना कैसे होगी? क्या उपासना के लिए भी तो ज्ञान का भेद बुद्धि से सही, जिस वस्तु का हमको ज्ञान ही नहीं है उसकी उपासना क्या करेंगे? उपासना के लिए भी ज्ञान आवश्यक है या नहीं? परोक्ष ज्ञान भी तो परोक्ष ज्ञान है, इसलिए बिना ज्ञान के जाने बिनु होई प्रतीति, बिनु प्रतीत प्रीति नहीं होई। किसी के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का ज्ञान होगा तो उसमें आस्था उत्पन्न होगी। इसलिए आजकल हम 5-7 दिनों से बोलते हैं, जब तक मोदी जी का कल पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक बोलता रहूँगा। दुश्मन हमको ये सब नहीं मानते कोई। जातिवाद मिटाओ का
मिटा के देख लो मिटता है क्या, जाति मिटेगी क्या। क्या अर्थ हुआ, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता है, कुल धर्मा सनातना है। गीता का पहला अध्याय ही तो उसी प्रेमनाल पढ़ लो, गीता के पहले अध्याय को ही पढ़ लीजिए। जाति धर्म कुल धर्म को अर्जुन ने सनातन बताया, सिद्धांत है या नहीं। उसको विकृत करने की भावना वाले विकृत हो गए और उसको विलुप्त करने की भावना वाले विलुप्त हो गए। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत सनातन, एक विचित्र बात है। रघु दिलीप नहुष राम जी युधिष्ठिर जी विक्रमादित्य जी शिवाजी जिनके जिनके शासन की हम प्रशंसा करते हैं, वो जाति धर्म कुल धर्म को मानने वाले थे या नहीं। और जिन जो शासक स्वतंत्र भारत में जाति धर्म कुल धर्म को न मानने वाले थे उनको कौन पूछता। जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत, इसलिए इनके स्वरूप को स्वभाव को प्रभाव को समझकर इनका अनुपालन करना चाहिए। इनको विकृत विलुप्त करने का प्रयास करने वाले विकृत हो गए, विलुप्त हो गए, कोई मिटा नहीं सकता। अब वो कहेंगे कि भेदभाव है, बहुत अच्छा उत्तर। तो क्या कहें चैतन्य जी, ये ऊंचा है अकल के दुश्मन ने बनाया होगा, फिर तो उसके बाद ये आँख के गोलक नीचे, या फिर ये क्या है, फिर ऊंचा है फिर नीचे, ऊंच नीच का भेद है या नहीं। क्या ये क्या हो गया, ऊंचा ये नीचा, फिर ये नीचा, फिर ये ऊंचा, फिर ये नीचा, फिर ये ऊंचा। पेट जो है छाती से ऊपर हो गए तो डमाडोल हो जाएगा, वो नीचे होना चाहिए। क्या स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है ये ये प्रशंसा भी हो गई। स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है, छाती की अपेक्षा पेट की ऊंचाई कम होनी चाहिए, तो स्वस्थ ये देख और अस्वस्थ मान होने योग्य हो गया। छाती की अपेक्षा पेट की ऊंचाई ज़्यादा हो गई तो मंत हो गया है, मंत तो है ही काते बहुत कम है, बहुत त्यागी। क्या अर्थ हुआ, शरीर से पहले ऊंच नीच का भेद क्या, और गंदी बात नहीं कहेंगे लेकिन इतने तो ठीक है, यही ऊंचा ये, फिर यह स्थान जो है नीचा, फिर ये ऊंचा, फिर ये नीचा, फिर ये ऊंचा, फिर ये नीचा, ये सब क्या है, फिर ये ऊंचा, फिर ये नीचा। इसलिए यह कहा ऊंच नीच का भेद। जाति धर्म कुल धर्म को जो मानते थे तब राम राज आदि की प्रतिष्ठा हुई है नहीं, उसमें लाभ क्या है, कौन दिल्ली वाले क्या कहते हैं मलिक जी, शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकोप सदा संतुलित रहें, हो गई बात। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, जनसंख्या सुरक्षित रहे बिना परिवार नियोजन गर्भपात के, जनसंख्या संतुलित रहे, सबकी जीविका जम से सुरक्षित, सबका जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, ये सब लाभ जाति धर्म को मानने पर है या नहीं। और ना मानेंगे तो विप्लव, क्या क्या अर्थ हो गया, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें, पहला लाभ। जनसंख्या सुरक्षित रहे बिना परिवार नियोजन गर्भपात के, ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी स्वाभाविक, क्षत्रियों की जितनी होनी चाहिए वैश्यों के शूद्र, तो क्या हो गया, शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें, जनसंख्या सुरक्षित रहे, स्त्रियों का शील सुरक्षित रहे, या स्त्रियों का शील सुरक्षित रहे। दुष्यंत ने क्या कहा, अगर ये शकुंतला ब्राह्मण की बेटी होती मुझ क्षत्रिय का मन इस पर नहीं चलता, हो गया नहीं। मातृशक्ति का शील भी सुरक्षित रहे, और ये सब सुरक्षित न रहे तो अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी जापान फ्रांस की स्थिति हो जाएगी। इसलिए दूसरी बात है, कृत्रिम ढंग से अगर ब्राह्मण क्षति वैश्य शूद्र बनाएंगे तो क्या होगा,
समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, दूसरा दोष संस्कार का आधान नहीं हो सकेगा। ये तीन दोषों का है, समय का अधिक उपयोग और संपत्ति का अधिक उपयोग, संस्कार का आधान नहीं, वो संतुलन बिगड़ जाए। आज समाजियों के यहाँ एक गया, आज दिल्ली की घटना है, कल बताया था, मुझे कुछ बना दो था कुछ हो, दलित आदि आजकल की भाषा, क्या बनना चाहते हो, क्षत्रिय बना दो। बनाने वाले ने आज समाज के पुरोहित ने कहा दुष्ट कहीं का, अब आगे कहीं का, जब ब्राह्मण बनने का अवसर पर आते क्षत्रिय क्यों बनना चाहता है, कहाँ से आ गया। उसने कहा इतना ऊंचा सह नहीं सकता, मर जाऊँगा। चलो तुम्हें क्षत्रिय बनाता हूँ, बनाने से बन जाएगा तो हो ही गया। इसलिए जाति धर्म कुल धर्म सनातन है, इनके स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर इनका अनुपालन करना चाहिए। रक्षा रक्षार्थ सेवा के प्रकल्प क्या रहेंगे, संतुलित रहेंगे, जनसंख्या संतुलित रहेगी, नहीं तो सब गड़बड़ होगा, जैसे कि होने की स्थिति है। अनिर्ज्ञाते हो गया, उपदेशस्य ज्ञानार्थत्वात् अनपेक्षत्वात् च संपत्ते कथम तादर्थ्यम इत्या, ज्ञान के बिना तो फिर उपासना हो ही नहीं सकती है, जिसका ज्ञान होता उसी की उपासना होती है। उपासना के दो भेद हैं, परोक्ष रीति से अपरोक्ष रीति से, अंग्रह उपासना भी है। यह हाँ वो तो ही रहा है, व्यतिरेक मुक्त्वा अन्वयम आचष्टे, व्यतिरेक मुख से कहा अन्वय, निर्ज्ञाते ही जब जानोगे ही नहीं तो परोक्ष ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान के बिना तो उपासना संभव नहीं, पहले ज्ञेय का ज्ञान होगा तब उसका वो उपासना, उसकी उपासना होगी। पदयो सामान अधिकरण जीव ब्रह्मयो अभेदावगमान न संपत् पक्ष संभवति इति समाधत्ते। पदयो सामान अधिकरण अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म यह सब अयम सोहम यह सब तत्त्वम तत्सत्यम सात्म ब्रह्म विदाप्नोति परम सामानाधिकरण या न, यह सामानाधिकरण का अर्थ हमने कर दिया। एक विभक्ति हो, विभक्तिगत साम्य हो, प्रथमा द्वितीय आदि जो कुछ परस्पर अपर्याय हो, अपर्याय माने एकार्थक न हो, और एक निष्ठ हो, देवदत्त में निष्ठ, तो क्या हो जाएगा सामानाधिकरण। एक विभक्तिक हो, परस्पर अपर्याय हो, एकार्थनिष्ठ हो, तब समानाधिकरण की प्रसक्ति होती है, जैसे कि स्वयं देवदत्त आदि स्थलों। तो जीव ब्रह्म ब्रह्मण वह भेदावगमत न सत संपत् पक्ष संभवती। जीव और ब्रह्म का एकत्व सिद्ध होता है इस प्रकार से, नित्यादि न इत्यादि कहकर बताया। क्या हुआ, कथम एकत्वे गम्यमाने पी संपदो अनुपपत्ति ही इत्याशंक्या अन्यस्य ही। बहुत बढ़िया का, अगर जीव ब्रह्म का एकत्व विदित हो गया, जीव ब्रह्म के त्वम पदार्थ पद और तत्पद के अर्थ में एकत्व की निष्पत्ति हो गई, समझ लिया तो कथम एकत्व गम्यमाने पी संपदोनुपपत्ति ही, संपत माने उपासना की असिद्धि होगी। इसका अर्थ किया अन्यस्य कहकर शंकराचार्य ने इसका भाव बताया। अन्य ये सबसे अंतिम पंक्ति 263 भाष, अन्यस्य अन्यत्वे संपत क्रियते नैकत्वे।
अन्य बुद्धि जब तक रहती है तब संपत उपासना की बात बनती है। आजकल आप किसकी उपासना कर रहे हैं? अपनी ही कर रहा हूँ उपासना, तो क्या हंसी होगी या नहीं? बहुत बढ़िया कहा। अन्यस्य अन्यत्वे संपत क्रियते नैकत्वे, अन्य को अन्य समझने पर उपासना संभव है, न कि एकत्व को लेकर। 11वीं टिप्पणी, अन्यत्वे मनोगमनादावन्यस्य ब्रह्मण संपदृष्टा नत्वाद्वये निष्प्रपंचे ब्रह्मण सायुक्तेति यकार। जो ब्रह्म है, सर्वात्मा है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वोपादान है, इसलिए अब ये जो कहते हैं सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा जैसा, तो उसका अभिप्राय होता है कि विपर्यय के अपनोदन के लिए फिर निधिध्यासन की बात, अज्ञान के अपनोदन के लिए श्रवण, संशय के अपनोदन निरसन या निराकरण के लिए मनन, विपर्यय के निवारण के लिए निधिध्यासन। विपर्यय सुनते तो समय लगता है बिल्कुल ठीक है, आत्मा ब्रह्म है, फिर लगता है ये सब क्या बात, वो बात सत्य है, यह बात सत्य है, भले कैसे आत्मा की ब्रह्मरूपता से दो सकती। विपर्यय आ जाए तो फिर उसका अपनोदन के लिए फिर होना चाहिए क्या निधिध्यासन, यह हुआ, नहीं तो एक बार में ही काम चल जाता। इसलिए चरम वृत्ति जो कहा उसका खंडन शंकराचार्य ने किया। चरम वृत्ति क्या मतलब, वो प्रथम, जैसे उदाहरण मैं देता हूँ, मोटरसाइकिल में एक पैडल से स्टार्ट हो जाए तो एक पैडल, दो, तीन, प्रथम से भी स्टार्ट हो गए तो प्रथम ही तो पर्याप्त है, चरम फिर क्या। इसलिए आवश्यक है क्या कि दो चार बार मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने का प्रयास करने पर स्टार्ट होगा, प्रथम बार नहीं होगा, जिससे स्टार्ट हो जाए वही, ऐसे ही जिस वृत्ति से अज्ञान का अपनोदन हो जाए वही वृत्ति, वह प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, या फिर कथम एकत्वे गम्यमाने पि संपदो अनुपपत्ति, एकत्व का विज्ञान हो जाने पर फिर उपासना कैसे होगी। 17वीं टिप्पणी, संपत उपास्ते या अन्यस्य ही, यही का अन्यस्य ही अन्यत्वे संपत क्रियते नैकत्वे, अन्य का अन्य को अन्य समझने पर उसकी उपासना होती है, न कि आजकल आप किसका ध्यान करते हैं? अपना ही ध्यान करता हूँ। आजकल आप किसका अध्ययन करते हैं? अपना ही अध्ययन करता हूँ। आप कहाँ यात्रा कर रहे हैं? अपने तक पहुँचने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। वाक विन्यास है न क्या वाक्य। अन्य से ही अन्यत्व संपद क्रियते नैकत्व इदम सर्वम यदय महात्मा इति च, एकत्व हे त्वंतर माह इदम इति यका, इदम सर्वम यदय महात्मा, हेत्वंतर माने प्रकारांतर से दूसरे हेतु युक्ति के द्वारा भी तथ्य को सिद्ध किया। इदम सर्वम यदय महात्मा यत अयम आत्मा, यह सब कुछ आत्मा स्वरूप ही है, क्योंकि वेदांत प्रस्थान में तो कस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, एकस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, क्या औरों के यहाँ जीव अलग, जगत अलग और जगदीश्वर अलग, यह है उपाधि धरातल पर अलग 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 होने पर भी वस्तुतः जीव जगत जगदीश्वर तीनों के रूप में ब्रह्म तत्व ही अभिव्यक्त है या नहीं, उल्लसित है या नहीं। इसलिए इदम सर्वम यदय महात्मा यत अयम आत्मा, यह सब जो है आत्मोल्लास है, आत्मविलास है। तुलसीदास जगचिद विलास को भूत बोझत बोझत बोझ है, पहले जगत को भूतों का विलास समझें, कितने भूत हैं? पांच। जगत को भूतों का विलास समझें, भूत को भूत क्यों कहते हैं?
हाँ वो बोलेंगे कहाँ, वो चश्मे वाले कहाँ के हैं भाई, क्या क्या नाम है? भूत को भूत क्यों कहते हैं? कहो क्या भूत प्रेत को क्या जाने है? तांत्रिक है भाई। भूत को भूत क्यों कहते हैं? भूत माने सिद्ध होता है, काल्पनिक नहीं। ब्रह्म अलग है, भूत योनि है, योनि विशेष। इसलिए भूत को यह मत समझो कि किसी ने काल्पनिक वंध्या पुत्र के समान शब्द गढ़ दिया। भूत भी, भूत को भूत क्यों कहते हैं, वो भी योनि विशेष है, शरीर विशेष है, गति विशेष। इसलिए भूत को भूत कहते हैं। प्रेत को प्रेत क्यों कहते हैं? प्रेत माने देहत्याग के बाद प्रेत संज्ञा हो जाती है। जो भी मरता है देहत्याग, शरीर छोड़ता है देहत्याग के बाद, वो जीव की प्रेत संज्ञा हो जाती है। देहत्याग, पूर्व देह का त्याग करके नवीन शरीर को प्राप्त किया, इसलिए उसका नाम प्रेत हो गया, प्रेत कर्म। प्रेत माने देहत्याग के बाद जो जीव का स्वरूप शेष रहता उसी का नाम प्रेत है, भूत प्रेत। हाँ जीव के लिए भी भूत शब्द कौन जीवार्थक कौन भूत शब्द का प्रयोग? भूत माने जिसका अस्तित्व है, जीव का भी है, जगत का भी है, जगदीश्वर। भूत का अर्थ होता है अस्तित्व संपन्न। ठीक, पंचभूत है, अभूत माने प्राणी, अभूत माने भूत भौतिक में, भूत माने पंचभूत, अभूत माने ब्रह्मभूता, ब्रह्मभूत हो गए। क्या है ब्रह्मभूता? प्रसन्न आत्मा ब्रह्म हो गया, भूत माने ब्रह्म भावापत्ति। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचत न कांक्षति, इसका अर्थ तो झाजी ही बताएंगे। ब्रह्मभूत का अर्थ क्या होगा झाजी? उनका अस्तित्व है। ब्रह्मभूत का अर्थ क्या होगा ये बताए। हम लोग तो अपने थोड़ा भूत का माने डर लगता है। मैंने कह रहा है सब इंजीनियरिंग वाली बात, ब्रह्मभूत माने क्या होगा? ब्रह्म भावापन, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचत न कांक्ष। ब्रह्मभूत जीव भूता, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता, कौन जीव भूत हो गए या ब्रह्मभूत? क्या क्या कहेंगे, कहो ये कहेंगे उत्तर, ब्रह्मभूत या जीव भूत? ये ज्ञान भृगु जी कहाँ था मन, मेरा बड़ी भूख लग गई हो। ब्रह्मभूत ठीक है या जीव भूत? ब्रह्मभूत। गीता में दोनों भूत हैं या नहीं? गीता में दो भूत का नाम है, कौन कौन? ममई वांशो जीव लोके जीव भूता, हाँ ब्रह्मभूतो प्रसन्न आत्मा न सोचत न कांक्षति। ब्रह्मभूत और जीव भूत, अभी कौन से भूत आप हैं? जीव भूत जीव भूत हैं। जीव भूत माने जीव भावापन, भूत माने भावापन, रूप जीव रूप, जीवात्मा जीव रूप, जीव भा जीव भूत, तीनों का अर्थ को जीवात्मा जीव रूप जीव भूत। रूप के अर्थ में भी आत्मा शब्द का प्रयोग होता है, यानी अंत में लग जाए तो महात्मा माने महान रूप के अर्थ में, महात्मा परमात्मा, परमात्मा भूत, रूप भूत, ये सब एक अर्थ हो जाता। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा जीव भूता, संपदोनुपत्ति हो गया। अन्य उपासना कैसे नहीं बनेगी? अन्य की उपासना होती, अपनी क्या उपासना होगी? फिर अहंग्रह उपासना का अर्थ क्या है? या जब तक अपरोक्षानुभूति नहीं है तभी तक अहंग्रह उपासना ही है, उसमें भी भेद है, अभी भेद बुद्धि है। अन्यस्य हि अन्यत्वे संपत् क्रियते नैकत्वे, संपत् माने उपासना।
अन्य को अन्य समझने पर उसकी उपासना की जाती है। प्रेत की उपासना, भूत की उपासना, देवता की उपासना, गुरु की उपासना, ऋषि मुनि की उपासना, यह सब एकत्व हेतु अंतर्मा इदम इति इदम सर्वम यदयम आत्मा। केवल आत्मा ही नहीं, इदम सर्वम भी आत्मा ही है, क्योंकि आत्मोल्लास है, आत्मा का विलास है, आत्मा का आत्माश्रित है, आत्म विलास है, आत्म कौन कौन जगत क्या है, ब्रह्माश्रित है, फिर जगत ब्रह्म का विलास है, फिर जगत ब्रह्म का विवर्त है, फिर जगत ब्रह्ममय है, फिर जगत ब्रह्म मात्र है। इतनी श्रेणियाँ होती हैं विचार की। इति च हो गया एकत्व फलितमः। एकत्व का विज्ञान हो जाएगा तो फल क्या होगा, इस पर कहा तस्मात इति, जबकि बात ऐसी है इसलिए। यह अंतिम पहली पंक्ति है 264 भाष्य की। तस्मान नात्मनो ब्रह्मत तो संपत उपपत्ति ही, इसलिए अब क्या कहा, किंच संपत्ति पक्षे तदापत्ति फलम अन्यद वेति विकल्प द्वितीय प्रत्यय न च इति न चाप्यन्यत प्रयोजनम ब्रह्मोपदेशस्य गम्यते ब्रह्मवेद ब्रह्ममय भवति। ब्रह्म का जो उपदेश किया जाता है गुरु के द्वारा शिष्य के प्रति, अन्य कोई उसका प्रयोजन नहीं, अर्थात ब्रह्म को जानो जानता है तो ब्रह्म ही हो जाता है। यह अर्थ है, अरबपति को जान लेने पर अरबपति नहीं हो सकते। सबसे ऊंचा कौन है, ब्रह्म। सबसे ऊंचे में सब अधिक, क्या बहुत ऊंची बात है ना, अरबपति को जान लेने पर अरबपति नहीं हो जाते, इंद्र को जान लेने पर इंद्र नहीं हो जाते, लेकिन सबसे ऊंचा कौन है, ब्रह्म, उसको जान लेने पर ब्रह्म ही हो जाता है। सबसे ऊंचा क्यों नहीं बने यह है। ब्रह्म वेदा ब्रह्ममयी भवति, क्योंकि ब्रह्म ही है। अच्छा एक विचित्र बात है, ब्रह्म ही है, जब ब्रह्ममयी हो गया तो अरबपति हो गया या नहीं, नहीं हुआ। जो कोई अरबपति है वो भी मैं ही हूँ, कंगाल है वो भी मैं ही हूँ, सर्वरूप में मैं ही उल्लसित हूँ, यही हुआ ना। सर्वरूप में अगर किसी ने स्वयं को ब्रह्म जान लिया, सचमुच में जान लिया, तो इंद्र के रूप में मैं उल्लसित हूँ, तो फिर क्या होगा, भिक्षुक के रूप में भी मैं और दाता के रूप में भी मैं, सर्व रूपों में क्या, दाता भी मैं और मंगता भी मैं, मांगने वाला भी मैं और दान देने वाला भी मैं। या एक मैं था वहाँ उड़ियाबा जी के यहाँ, कहाँ वृंदावन, हमारे यहाँ तो बिना ऐसे ही बिना कोई गेट या आदमी खड़ा किए भी कोई आता नहीं, क्या शंकराचार्य कमरे में है अभी नहीं जा सकते बाहर, ऐसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, भंडार हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, सबको मालूम है समय पर मिलेंगे, कोई आदमी खड़ा करो, फिर वो अभी नहीं जा सकते, तुम जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो, उतना आज्ञा बिन पैसा रहे उतना आज्ञा बिन पैसा रहे, जब तक हनुमान जी की आज्ञा नहीं होगी तो राम जी के दरबार में जा ही नहीं सकते। तो एक महिला आ गई, मातृमंडल में रहती थी, विधवा रही होगी, वैश्य घर की रही होगी, वो दो फल लाई, वो आ ही गई सास करके, हमने एक फल उसे दिया, क्या बोली मालूम है, वैश्य कुल की हूँ मैं, यूँ करना जानती यूँ नहीं लेना जानती, भाग यहाँ से, मैं ब्राह्मण कुल का हूँ तू क्या देगी मुझे। उसने क्या कहा मालूम है, विधवा थी, घर से निष्कासित रही होगी, वहाँ रहती थी, लेकिन उसने कहा मैं वैश्य कुल की हूँ, यूँ करना जानती यो नहीं करना जानती, तो मैंने कहा मैं क्यों यूँ करना, भाग यहाँ से यह क्या, दाता, दाता को अगर अभिमान हो गया कि यह दीन है मैं दाता हूँ, तो
मरा फिर दाता क्या हुआ? किसी को दीन समझकर मत दीजिए, वो सामान्य बात है। देयम दीन जनाय चवितम, तुलसीदास शंकराचार्य लिखा। लेकिन हृदय से किसी को दीन न समझें, मैं दाता हूँ या दीन है ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया, समय 5 मिनट। देवताओं को हम देते हैं, पिछले दिनों भी कई बार कहा, वो हम देते हैं या लेते हैं। देवताओं के निमित्त जब हम आहुति डालते हैं देवताओं के निमित्त, होता क्या है मलिक जी? उस आहुति के अनुसार जो सूक्ष्म भाव बनता है, सूक्ष्म द्रव्य, द्रव्य सूक्ष्म विपाक, वही शरीर छोड़ने के समय नया शरीर बन जाता है। वो अपने को ही दे रहे हैं, माने देवताओं को जो सामग्री दी जाती है अपने भावी शरीर का, वही सामग्री उपादान बन जाती है। देवताओं को हम दे रहे हैं अपने दिव्य शरीर की संरचना के लिए, उपादान इकट्ठा कर रहे हैं। क्या ये हुआ ना? देवताओं के निमित्त जो हम देते हैं वो सामग्री जो है भविष्य में द्रव्य सूक्ष्म विपाक का ना, भागवत के साथ में इसका है, द्रव्य सूक्ष्म विपाक, उसका जो सार सर्वस्व होता है, उसी से देहत्याग होने पर शरीर तो यहाँ छूट जाएगा, वही सामग्री हमारे अग्रिम शरीर का उपादान बन जाती है। अर्थात देवताओं को हम क्या दे रहे हैं? हम अपने शरीर को दिव्य करने की सामग्री इकट्ठा कर रहे, देवताओं पर कृपा कर रहे, अपने ऊपर कृपा कर रहे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।